नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं इस हमारी ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पे हम सीखते हैं एडवांस एक्सेल वीवीएम प्रोग्रामिंग। रात को 10 बजे है और ये हमारी रिकॉर्डिंग जो है लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। अभी मैं रात को 10 बजे एक वीवीए का बैच लेने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से मुझे पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव ट्रेनिंग लेना, क्योंकि तो यूट्यूब पे मैं सिर्फ प्रमोशनल वीडियो ही डालता हूँ, कंप्लीट वीडियो नहीं। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ कंप्लीट एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग लेना, तो आप हमारी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस से पहले कभी नहीं लिया है तो हमारे डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो लेने के लिए आप वेबसाइट ipdindia.com पे जाएं एंड डेमो क्लासेस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के डेमो ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन। तो जैसे कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, लूप दो तरह के हैं, एक है फोर लूप और दूसरा है डू लूप। फोर लूप में दो पार्ट है, फोर आई एंड फोर इच। तो फोर आई को तो आप समझ ही चुके हो क्या सर, और दूसरा डू में आपको डू लूप के अंदर में वाइल लूप है और दूसरा अंटिल है। तो इसको तो हम बाद में समझेंगे, हम बात करते हैं फोर इच की, राइट। तो फोर इच में क्या होता है कि हमें एक सिलेक्टेड एरिया सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में वर्क करने हैं उसके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं कुछ नंबर्स लिख, कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं, मुझे क्या करना है इन टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो एक्सेल में तो अपर केस के लिए फॉर्मूला है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इस तरह के टेक्स्ट के लिए अगर अप्लाई करें तो मुश्किल हो जाता है कि फॉर्मूला को अप्लाई करना, क्योंकि एक एक कॉलम वाइज आपको अलग अलग फॉर्मूले बनाना। और यहाँ पे हमें केस को चेंज करने के लिए यू केस का फॉर्मूला होता है वीवीए के लिए, बट प्रॉब्लम है कि हम कहाँ लगाएं, कहाँ लूप कहाँ लगाएं, कि कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ पे खत्म हो, कुछ समझ में आ रहा है ऐसा? इस डेटा में लूप की स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन निकाल पाएंगे आप? नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम डेवलपर टैब में जाते हैं और फोर इच का इस्तेमाल करते हैं। तो फोर इच का इस्तेमाल होता है लूप ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहां पे सब्जेक्ट चेंज केस, यहां पे देता हूं सबसे पहले डिम आर एज ए रेंज। मैंने आर को रेंज मान लिया और लिखा कि फोर इच आर इन सिलेक्शन, फोर इच आर इन सिलेक्शन। और फिर यहां पे मैंने बोला कि आर डॉट वैल्यू इक्वल टू हो जाए यू केस आर डॉट वैल्यू, और फिर मैंने यहां पे नेक्स्ट आर कर दिया। अब मैं सिलेक्टेड सेल को सिलेक्टेड वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, जितना एरिया है उतने एरिया को हमने सिलेक्ट। और जैसे इस मैथड को रन करेंगे आप देखेंगे सारे अपर केस में कन्वर्ट हो गए। तो ये लूप ये जो है लूप कहां तक चला, फॉर इच आर इन सिलेक्शन, मतलब कि सिलेक्टेड सेल में जितने भी रेंज है उसके हर एक सेल में जाएगा। तो इस तरीके से वन बाय वन हर एक सेल में चलेगा, ठीक है। तो जहां पे आप और उस वैल्यू को हम आर डॉट वैल्यू करेंगे, मतलब कि हर एक सेल को आर नाम दे देगा, ठीक है। अगर अनुदर एग्जाम्पल दू आपको, तो चलिए एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं कि हमारे पास बहुत सारे सेल्स के अंदर में मैं चाहता हूं कि जो वैल्यू मोर देन 50 है, जो वैल्यू मोर देन 50 है वो यहां जे के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट हो गया, राइट।
मोर देन 50 है, एक के नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, तो अभी हमें भी नहीं पता है कि इसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या है और एंडिंग पोजीशन क्या है, बीच में ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। तो यहां भी हम सेम कंसेप्ट अपनाते हैं कि सब्जेक्ट आर आर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यहां देते हैं डिम आर एज ए रेंज, और यहां लगाते हैं कि फोर इच आर इन सिलेक्शन, फोर इच आर इन सिलेक्शन, और यहां पे देते हैं कि इफ आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन हमें जे कॉलम में रखना है एक के नीचे, यहां देंगे कि रेंज जे 65,000 डॉट वैल्यू, नहीं डॉट वैल्यू नहीं होगा, डॉट एंड होगा डॉट एंड एक्स लेस अप डॉट वैल्यू ई ऑफसेट होगा, ऑफसेट एक के नीचे करना ना इक्वल टू आर डॉट वैल्यू, और यहां पे एंड इफ, और फिर यहां पे नेक्स्ट आर, ठीक है। तो रन करने से पहले आपको सिलेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और फिर डेवलपर में जाकर उस मैथड को रन कर दीजिए जो कि आर आर है, ठीक है। तो रेंज के ऊपर किस तरह से मैथड को लगाएंगे ये समझ में आ गया सर? अब बात आती है क्या रेंज पे लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है, हम सीड्स पे भी लगा सकते हैं। सीड तो आपको जो मैंने भेजा था उसमें था कि हाइड ऑल बग सीड्स, क्या ये तीसरा नंबर मैक्रो था, उसमें मैंने इसका इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो मैंने यहां बोला कि dim wa so the bug sheet as a bug sheet, bug sheet। तो हमने मान लिया कि wa एक bug sheet है, इसका फिर कहते हैं 4 h WS in active, इस वर्कबुक कर लीजिए, एक्टिव वर्कबुक भी कर सकते हैं, एक्टिव वर्कबुक डॉट वर्कशीट, ठीक है। और उसके बाद अब क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसमें सारे के सारे वर्कशीट आप हाइड नहीं कर सकते, एक फाइल में एट ए टाइम पूरे एवरी वर्कशीट को हाइड नहीं किया जा सकता, एक वर्कशीट को खोलना होगा, छोड़ना होगा अनहाइड। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो एक्टिव वर्कशीट उसी को छोड़ देते हैं। तो कंडीशन होगा कि इफ डब्ल्यू एस डॉट नेम इक्वल टू एक्टिव शीट डॉट नेम नॉट इक्वल टू करना, नॉट इक्वल टू कर देते हैं, इक्वल टू उल्टा करना पड़ेगा, फिर देन डब्ल्यू एस डॉट विजुअल इक्वल टू एक्सेल हिडन या वेरी हिडन एज पर यू वांट and if and next WS। ऐसे अगर आपको वर्कशीट पे करना हो तो
वर्कबुक पे करना हो क्या? वर्कबुक है तो उसके लिए यहां पे हम करेंगे सब्जेक्ट। जैसे कि दूसरा मैप को मैंने भेजा था कि क्लोज ऑल वर्क बुक्स एट वन लाइन था ना, तो यहां पे हमने कर दिया कि डिम WBS एज ए वर्क बुक, ठीक है, और फोर इच WBS इन वर्क बुक्स एंड WBS डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू, और यहां पे नेक्स्ट WBS, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एरे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एरे को समझने के लिए एरे समझिए एरे क्या होता है, फिर एरे में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। एरे क्या होता है समझिए, जैसे कि अगर आपने कोई डिफाइन किया कि डिम के एज ए मान लीजिए इंटीजर, तो आप की इक्वल टू 50 कर सकते हैं। अगेन आप की इक्वल टू 60 करेंगे तो 50 को 60 रिप्लेस कर देगा, क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो आपको सेम कास्ट का मतलब तो सेम डेटा टाइप का बहुत सारे वैल्यू स्टोर करना है, तो अलग अलग आपको वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप एरे डिफाइन कर सकते हैं कि मैंने यहां बोला कि 1 to 10, अब मुझे यहां पे k इक्वल टू ब्रैकेट में 1 इक्वल टू 50, k इक्वल टू इक्वल टू 50, इस तरीके से एक ही वेरिएबल पे कई सारे लिख सकते हैं, समझ गए। अगर इसके अंदर कुछ चेक करना है, कुछ कैलकुलेशन करनी है, या फिर कहीं भी इसको प्रिंट करना है, तो उस केस में हम लेंगे यहां पे कि 4 इच आइटम इन के और रेंज 65,000 डॉट वैल्यू वैल्यू भी एड हो एंड एक्सेल अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आइटम और नेक्स्ट आइटम, ठीक है। तो आप फोर इंच को एक रेंज पे इस्तेमाल कर सकते हो, वर्कशीट पे इस्तेमाल कर सकते हो, वर्कबुक पे इस्तेमाल कर सकते हो और एरे पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। किसी को डाउट इसमें? सोनू जी, सुधांशु जी, कोई डाउट आपको? नहीं सर।
तो मुझे फोर ईच पे आप लोग क्या करें, फोर ईच पे एनालाइज करें और एनालाइज करके मुझे कम से कम 15 माइक्रो बना के दें जो कि फोर ईच को इंडिकेट करती है। हेलो हाँ बोलिए हेलो सर। सर, सर मैं ये कह रहा था ये ईच आइटम का थोड़ा एग्जांपल मुझे ये रन करके दिखाइए ना कैसे वर्क कर रहा है ये थोड़ा। देखिए ईच आइटम क्या होता था, देखो जब आप एरे समझ गए ना, एरे क्या होता है, ओके तो जब एरे के अंदर हम यूज करते हैं, जैसे एरे में क्या होता है कि एक वेरिएबल पे कई सारे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब मुझे पता नहीं कि के पे कितने वैल्यू स्टोर है, तो मैंने लगाया कि फॉर ईच आइटम इन के, मतलब के जो एरे है उसके अंदर जितने भी आइटम स्टोर है उसके हर एक आइटम पे जाए और उसकी डेटा को बाकी जो ऑपरेशन करना चाहते हैं ऑपरेशन कर ले। जैसे कि यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए होता था, यहाँ पे हमने आर डॉट वैल्यू किया था, डब्ल्यू एस किया था, उस तरह से यहाँ पे आइटम होता है। तो ये क्या सर के आइटम दस दस आइटम ही इसमें हम कर सकते हैं या और एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं यहाँ इस हमें एग्जांपल में? यह हमें डिफाइन किया है 10 आइटम, जितना डिफाइन करोगे उतना कर पाओगे। सर यहाँ तो हमने 10 10 डिफाइन किया है तो 10 नीचे भी बनाने पड़ेंगे ना K1 K2 A10 तक। उसकी देखिए ऐसी जो यहाँ पे यहाँ लिखते नहीं है, बेसिकली इसका क्या होता है कि एक डेटा सीट है आपकी, उसमें एक कॉलम पूरे कॉलम का डेटा स्टोर करना है, उसमें से कुछ डेटा को पिक करके रखना है, तो उस केस किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये तो मेनू में लिखा पर इसको लूप से लिखते हैं। सर अगर इसका एक एग्जांपल प्रैक्टिकल बता देते तो बेटर होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो उसके साथ कुछ और सीखना होगा। सिंपल सी बात समझिए, कभी आपको एक ही टाइप के बहुत सारे डेटा को स्टोर करना होगा, जैसे कि मान लीजिए ना कि एक पूरा अब 500 वैल्यू स्टोर करनी है इंटीजर, तो 500 वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लो 1 2 5 1 day और यहाँ इस तरह से स्टोर करते चले जाओ। आगे चल के मैं इसके बारे में बताऊंगा जब हम डुप्लीकेट वगैरह डिफाइन करना सीखेंगे तो आगे चल के बताऊंगा सर, फिलहाल एग्जाम्पल आपको सूट नहीं करेगा, तो फिलहाल इतना ही समझिए। ठीक है सर ये प्रैक्टिकल करने पे ही बेटर समझ आएगा सर अभी तो थोड़ा बहुत आया है। हाँ तो 4 इंच पे आप एनालाइज कीजिए, जहां दिक्कत होगा उसको नोट कर लीजिए और मुझे मेल कर दीजिए, हम आपको उस पर पूरी सलाह देंगे, ठीक है? फिर हम कल हम आपके साथ नेस्टेड लूप के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? नेस्टेड लूप, लेकिन पहले होमवर्क आप लोग करके दे दीजिए, आप लोग होमवर्क नहीं करते सर। ठीक है, कोई डाउट है, किसी कुछ पूछना है? हाँ सुधांशु जी सर, वो मेरा 2-3 सेल में हो जाएगा, वो जरा सा बता देते थे और रिमार्क कीजिए, मैंने टाइप किया बट हुआ नहीं सर, वो इफ वाले कंडीशन से आपने बताया था एल्स इफ करके। मुझे मेल कर दीजिए, मैं देखती हूँ आपको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? ओके, गुड नाइट।